डियर स्टूडेंट्स, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लास्ट वीडियो में हमने देखा था एनर्जी लेवल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आज हम सिलेक्शन रूल्स के बारे में बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस जो होंगे उनके लिए क्या क्या सिलेक्शन रूल्स, यानी कौन से ट्रांजिशंस हमारे अलाउड माने जाएंगे और कौन से फॉरबिडन ट्रांजिशन माने जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये कि ट्रांजिशंस के लिए कुछ रूल्स को फॉलो होना ज़रूरी है, तो वो कौन से सिलेक्शन रूल्स होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो लिखा है इसमें कि द सिलेक्शन रूल फॉर अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल टू गिव अ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम इज दैट द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट चेंज व्हेन द एटम्स आर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। इसका मतलब ये, मतलब आप इसको सिलेक्शन रूल भी कह सकते हैं या IR स्पेक्ट्रम देने के लिए कंडीशन भी कह सकते हैं। ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वाइब्रेशन के दौरान जो मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मूवमेंट जो है वो चेंज होना चाहिए। तो इससे हमें ये चीज़, एक चीज़ और क्लियर होती है कि द कंडीशन रिक्वायर्ड इज़ ओनली द चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। हमारे लिए जो कंडीशन है IR स्पेक्ट्रम देने के लिए मॉलिक्यूल के लिए, वो सिर्फ चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, जैसा कि आगे इसमें लिखा हुआ है, कि द मॉलिक्यूल नीड नॉट हैव अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। भले ही मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ना हो, लेकिन उसमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट हो सकता है किसी वाइब्रेशन के दौरान। तो उस वाइब्रेशन के दौरान उसके मॉलिक्यूल, मतलब उस मॉलिक्यूल में, उस डाइपोल मूवमेंट में उसके चेंज होना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे अभी ये जो एग्जांपल है ना कि इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट का, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है CO2 का, ठीक है। CO2 को हम ऐसे तो दिखाते हैं, एक लीनियर मॉलिक्यूल है, और इसमें डाइपोल की डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, हम हमें जैसे इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव, और इस पर भी स्लाइटली नेगेटिव। तो अगर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस बॉन्ड का, ये जो CO बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड का जो है डाइपोल बॉन्ड मूवमेंट जो है वो इधर की साइड हो जाएगा, ठीक है, यानी इस वाले ऑक्सीजन की साइड हो जाएगा। और जो ये वाला बॉन्ड है, जो इधर C लिखा है और इधर O लिखा है, तो इसका जो बॉन्ड मूवमेंट होगा वो इधर हो जाएगा। तो ये दोनों ही बॉन्ड मूवमेंट जो होंगे वो कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे तो है नहीं, कभी इनका रिजल्टेंट जो आएगा, जो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को, दोनों बॉन्ड मूवमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो इसलिए CO2 में कोई परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम वाइब्रेशन की बात करें, कि जब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे कि हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो या बेंडिंग वाइब्रेशन हो। तो जैसे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी दो तरीके की होती है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। इसको कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ कि देखिए इस सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग से क्या मतलब है। स्ट्रेचिंग तो मैंने आपको पिछली बार बताया था, बॉन्ड का खींच, मतलब खींचे अगर हम बॉन्ड को। तो देखिए अगर हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में जैसे सपोज़ मैंने फिर से ये मॉलिक्यूल बनाया, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन एटम है इसको हम ले जा रहे हैं इससे दूर, और इस वाले ऑक्सीजन एटम को भी इससे दूर ले जा रहे हैं, या हम इस वाले ऑक्सीजन एटम को भी इसके पास लाएँ, या इस वाले ऑक्सीजन एटम को भी इसके पास लाएँ। यानी कि ये वाला बॉन्ड जो इधर वाला बॉन्ड है ये भी कंप्रेस हो और ये वाला बॉन्ड भी कंप्रेस हो, या फिर ये वाला बॉन्ड भी स्ट्रेच हो और ये वाला बॉन्ड भी स्ट्रेच हो, और ये इक्वल स्ट्रेचिंग अगर होगी या इक्वल कंप्रेशन अगर होगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ से यहाँ, यानी अगर हम इस वाले बॉन्ड की बात करें जो राइट हैंड साइड पर है CO बॉन्ड, तो अगर ये स्ट्रेच हो रहा है तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो ये लंबा हो जाएगा। तो ये ऐसे मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ, ठीक है। और ऐसे जो इसके ठीक उल्टी साइड वाला बॉन्ड है, अगर वो भी स्ट्रेच हो रहा है तो वो भी लंबा हो जाएगा, या फिर ये दोनों बॉन्ड छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वली छोटे हो रहे हैं और इक्वली बड़े, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, चाहे वो नीचे देख लीजिए और चाहे आप ऊपर, ठीक है। तो जब ये, अगर ये सेम है तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है, तो इसमें जो होता है डाइपोल मूवमेंट इसका ज़ीरो ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की, तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा कि इसमें एक बॉन्ड तो कंप्रेस होगा और दूसरा बॉन्ड स्ट्रेच होगा। तो देखिए अगर मैं एक बॉन्ड को स्ट्रेच करके दिखाऊं, तो इसका मतलब ये बॉन्ड जो है हमारा स्ट्रेच होके लंबा हो गया, और अगर दूसरा बॉन्ड कंप्रेस हो रहा है तो ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं। यानी अगर हम
एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग दिखाएंगे। तो हम कैसे दिखा सकते हैं इसी को, अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम के से बताऊँ आपको, तो ये बॉन्ड तो इधर को हमने लंबा कर दिया, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन एटम है, मतलब ये वाला ऑक्सीजन एटम जो इधर बनाया हुआ है मैंने इस वाले को, तो ये वाला ऑक्सीजन एटम तो इस कार्बन से दूर जा रहा है, और जो इधर वाला ऑक्सीजन एटम है जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो इस कार्बन एटम के पास आ रहा है, ठीक है। और ये कार्बन एटम जो है बीच में, ये भी इस ऑक्सीजन के पास में जा रहा है। तो अगर ये ऑक्सीजन के इधर पास में जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, और इसकी डायरेक्शन में ऐसे ना बनाकर ऐसे बना दूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये वाला जो सी ओ बॉन्ड है, ये वाला, ये तो लंबा हो गया, और जो ये वाला सी ओ बॉन्ड है जिसको कि मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ये छोटा हो गया, कि कार्बन इसकी तरफ जा रहा है और ऑक्सीजन भी इसकी तरफ जा रहा है, तो ये छोटा हो गया। तो कंडीशन हमारे पास कुछ ये बन जाएगी। तो इसमें और थोड़ी ही देर बाद, क्योंकि ये लगातार होता रहता है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो हमने लंबा बॉन्ड बनाया है वो छोटा हो जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा, और जो इधर वाला बॉन्ड है वो लंबा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ये सिचुएशन हो जाएगी, फिर उसके बाद ये। तो इससे हो क्या रहा है, बार बार डाइपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है। कैसे? क्योंकि जब हम इस बॉन्ड को लंबा कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट को हम कैसे दिखाते थे, कि म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, यानी कि स्ट्रेचिंग में क्या होता है, बॉन्ड डिस्टेंस में चेंज आता है, यानी इस आर में चेंज आएगा। जब आर में चेंज आएगा तो डाइपोल मूवमेंट में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड मूवमेंट है, ये वाला जो सी ओ है, ये वाला बॉन्ड मूवमेंट, जब क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो इसका डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज करेगा, और जो ये वाला सी ओ बॉन्ड है इसका डाइपोल मूवमेंट डिक्रीज करेगा। ठीक दूसरे ही सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका डाइपोल मूवमेंट फिर इंक्रीज करेगा, इसका डिक्रीज करेगा। तो बार बार ये जो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट में चेंज हो रहा है, और जब भी डाइपोल मूवमेंट में चेंज होगा तो वो आई आर एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। तो इसलिए जब इसकी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी सी ओ टू की, तो वो आई आर इनएक्टिव होती है, लेकिन जब इसकी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी तो वो आई आर एक्टिव होती है। तो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड जो ये वाली सिचुएशन जो मैंने आपको नीचे यहाँ दिखा दी है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाली, तो यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है इसमें। तो अब जो है ये मॉलिक्यूल आई आर एक्टिव हो जाता है। तो यही इसमें बोला गया कि चाहे तो मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो, और चाहे अगर नहीं भी हो, लेकिन किसी वाइब्रेशन के दौरान, तो इसमें कौन सी वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और ऐसे एक बेंडिंग वाइब्रेशन भी होती है इसमें, उसमें भी इसमें जो है ये आई आर एक्टिव जो है हो जाता है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ये कंडीशन जो है कि परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होने वाली, जो हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर भले ही परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ना हो, लेकिन किसी वाइब्रेशन के दौरान अगर उसमें डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि वो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को दे सकता है, या वो आईआर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात, और इसी पर बेस्ड जो है कि बेस्ड ऑन दिस द स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, जो पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल है जो हम इसके ट्रांजिशन के दौरान देखेंगे, वो क्या होता है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। जैसे कि हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था कि डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी जे की वैल्यू में जो है वो सिर्फ वन यूनिट से चेंज होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर वी क्या था, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर, तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में भी सिर्फ वन यूनिट से चेंज होगा, ठीक है। जैसे अगर हमें इस पर आपको इसका स्पेक्ट्रम दिखाऊं, देखिए ये वाला जो है, मतलब हमें जो है देखने को मिलते, जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किए थे, ये वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। और इसमें जो हम ये कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन रूल कहता है, सिलेक्शन रूल में जैसे ये है वी इज इक्वल टू जीरो, तो वी इज इक्वल टू वन, यानी कि वी की वैल्यू में सिर्फ प्लस वन से चेंज हो रहा है। तो यानी मॉलिक्यूल अगर हमारा लोअर एनर्जी स्टेट में है, और अगर वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो सिर्फ वी इज इक्वल टू वन में ही जा सकता है, ये सिलेक्शन रूल कहता है इसका। तो ये ट्रांजिशन यहाँ पर अलाउड होगा। अगर ओरिजिनली वो वन में है तो सिर्फ टू में जा सकता है, ओरिजिनली अगर टू में है तो सिर्फ टू से थ्री में जा सकता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जीरो में है तो जीरो से टू में चला जाए, तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे। या अगर वो वन में है तो वन से सीधा फोर में चला जाए, ये भी फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे। मतलब वी की वैल्यू में, या वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की वैल्यू में सिर्फ जो है प्लस वन यूनिटी से चेंज, या माइनस वन, माइनस वन क्यों है, ये जो हम मैंने जो अभी आपको एरो करके दिखाया है, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल किसी फिफ्थ लेवल में है सपोज, तो अगर उसे एमिशन स्पेक्ट्रम देना है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ नीचे आएगा, लेकिन सिर्फ एक लेवल नीचे आएगा।
अगर वो 6 में है तो 6 से सिर्फ 5 जाएगा नीचे, सिर्फ एक लेवल नीचे आएगा, क्योंकि +1 या -1 यूनिट से वाइब्रेशन क्वांटम नंबर चेंज होना चाहिए। मतलब ऐसा कभी नहीं है कि अगर वो 7 में है तो 7 से सीधा 5 में आ जाए, ठीक है, या अगर 6 में तो 6 से सीधा नीचे 3 में आ जाए। तो ये सब जो होंगे वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे। तो ये सिलेक्शन रूल जो है इसमें, इसके अकॉर्डिंग हम इसका मतलब निकालते हैं। तो डेल्टा मतलब वी की वैल्यू में चेंज, ठीक है, डेल्टा कहीं पर भी हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब चेंज के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वी की वैल्यू में प्लस माइनस से चेंज होगा, और सिर्फ 1 यूनिट का, ठीक है। और इसका मतलब आगे लिखा हो कि दैट इज चेंज इन द वाइब्रेशन क्वांटम नंबर शुड बी यूनिटी, ठीक है। और ट्रांजिशन फॉर विच डेल्टा वी इज इक्वल टू +1 कॉरस्पॉन्ड टू एब्जॉर्प्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर +1 से हो रहा है यानी 0 से 1 में जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, तो सिर्फ +1 का चेंज हो रहा है। हम डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो अगर वो लोअर एनर्जी लेवल में था, सपोज ये 1 है, वी इज इक्वल टू 1, और ये है वी इज इक्वल टू 2, तो हम अगर वो नीचे था और नीचे से ऊपर जा रहा है, तो फाइनल वो पहुंचा कहाँ, 2 में, तो हम यहाँ रखेंगे 2 की वैल्यू, और ओरिजिनली वो कहाँ था, 1 में, तो रखेंगे 1 की वैल्यू। तो डेल्टा वी की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं, तो पहले हम वी फाइनल रखेंगे, फिर उसमें से वी इनिशियल को माइनस करेंगे, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए मैं बता रही हूँ आपको, और एमिशन के लिए ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर वो 2 में है तो 2 से सीधा 1 में आएगा। तो इनिशियल पोजिशन आपकी बार 2 हो जाएगी और फाइनल पोजिशन हमारी 1 हो जाएगी, तब हम फिर 1 माइनस 2 करेंगे, और इसलिए आंसर हमारा -1 आएगा। तो इस तरह से सिर्फ 1 यूनिट में चेंज होना चाहिए, चाहे वो +1 है चाहे -1, बस वो एब्जॉर्प्शन या एमिशन के लिए होता है, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब स्पेक्ट्रम हमारा कैसा देखने को मिलेगा, तो एज द ट्रांजिशंस कैन टेक्स प्लेस बिटवीन वाइब्रेशन लेवल्स हुज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर डिफर बाय यूनिटी, जैसा कि अभी हमने बताया कि डेल्टा वी में सिर्फ +-1 चेंज होना चाहिए। तो द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल व्हेन द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वी टू वी प्लस वन लेवल विल बी गिवन बाय, मतलब क्या हुआ कि अगर वो यहाँ से ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम हमें कब देखने को मिलता है, ट्रांजिशन से हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, तो इसमें क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू हमारी वी इज इक्वल टू 0 है, और ऊपर वाली वैल्यू अगर वी इज इक्वल टू 1 है, या फिर वी इज इक्वल टू 2 है, या हम वी इज इक्वल टू 3 में है, कुछ भी इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, तो हम क्या दिखा रहे हैं, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल में, और सिर्फ 1 यूनिट से जो जहाँ चेंज हो रहा है, चाहे 1 से 2 में चाहे 2 से 3 में, उसे कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बस हमें ये देखना है कि नीचे से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की ही बात कर रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए कि उसे कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो बस वही एनर्जी हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये जो यहाँ एरो से दिखा रखा है, इसका मतलब है ये एप्सिलॉन वी से वी प्लस वन में जा रहा है। देखो, वी से वी प्लस वन का क्या मतलब है, ये वी वैल्यू मान लूंगी और इसको मैं वी प्लस वन बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वी की वैल्यू अगर 0 है, तो यहाँ पर मैं वी की वैल्यू 0 रखूंगी और +1, तो आंसर हमारा 1 ही आ जाएगा। तो वी से वी प्लस वन जाने का मतलब है सिर्फ एक लेवल हम ऊपर जा रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, वही कि फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला वी है, ऊपर वाला वी प्लस वन है, तो ऊपर वाला फाइनल हो जाएगा, नीचे वाला इनिशियल हो जाएगा, और इसी को हम डेल्टा एप्सिलॉन से दिखा सकते हैं। तो ये एनर्जी में चेंज हम देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाने के लिए उसे कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, एप्सिलॉन वी प्लस वन में से माइनस करना है एप्सिलॉन वी को, ठीक है। तो एप्सिलॉन वी की वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में निकाली थी कि क्या होती है, वो वी प्लस हाफ ओमेगा बार ओएससी सेंटीमीटर इन्वर्स। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले वहाँ पर जाकर देखिएगा कि ये वैल्यू हमारी कैसे निकल के आती है, और वी में यहाँ पर क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। और इसी तरह अगर हम एप्सिलॉन वी प्लस वन की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सिर्फ इस वी की जगह हम वी प्लस वन पुट कर देंगे। तो हमने वी प्लस वन पुट करके प्लस हाफ करा, और इसको जब हम पूरा लिखेंगे तो क्या, 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2, तो वी प्लस 3/2 हो जाएगी। तो एप्सिलॉन वी प्लस वन की वैल्यू आ गई ये, जो यहाँ पर वी प्लस 3/2 लिखी है, और एप्सिलॉन वी की वैल्यू हमारे पास वी प्लस हाफ लिखी है। तो बस हम नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल सा ये हुआ। तो डेल्टा एप्सिलॉन ये नीचे वाली वैल्यू थी हमारी वी प्लस वन की, और ये हमारी खाली वी वाली वैल्यू थी, ठीक है। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, हमने इसमें क्या करा, ओमेगा बार ओ एस सी को कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर वी प्लस 3/2 तो एज इट इज़ है, अब ये हम ब्रैकेट खोल के लिखेंगे तो माइनस वी हो जाएगा, और ये प्लस हाफ वी, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये भी ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस वी से
सॉरी माइनस वी और प्लस वी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3/2 - 1/2 आपका क्या निकलेगा, ओमेगा बार ओ एस सी, यानी कि ये जो एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने के लिए उसे सिर्फ ओमेगा बार ओ एस सी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ओमेगा बार ओ एस सी क्या थी, उसकी अपनी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो देखा हो तो ये वाली वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारे पास, ये आई थी 1/2 πc अंडर रूट के अपॉन म्यू सेंटीमीटर इन्वर्स। तो ये उसकी अपनी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, ये उसकी अपनी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर वो ऑसिलेट कर रहा होता है बस वही फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उसको नीचे से ऊपर जाने के लिए। ठीक है, उतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसे नीचे से ऊपर, चाहे आप किसी भी वैल्यू को निकाल लीजिए, आप जितने भी आप निकालेंगे सभी में आपको ओमेगा बार ओ एस सी देखने को मिलेगा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, आप डायरेक्ट फॉर्मूला में भी रख सकते हैं और चाहे तो अगर आपके पास ऑलरेडी ये वैल्यूज हैं तब भी कर सकते हैं। सपोज मैंने कोई आपसे पूछ रहा है कि अगर वी इज इक्वल टू वन, ये वी इज इक्वल टू वन लेवल है और ये वी इज इक्वल टू टू लेवल है, तो 1 से 2 में जाने के लिए उसे कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जो 2 लेवल की एनर्जी है उसे 1 लेवल की एनर्जी से माइनस कर दें, और 2 लेवल की एनर्जी हमने निकाल दी थी पिछली बार, फॉर्मूला हमारा अभी 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 हमने आपको दिखाया अभी कि वी प्लस हाफ और ओमेगा बार ओ एस सी तो होता है किसी भी एनर्जी लेवल का। अगर आपको निकालनी है कि एनर्जी की क्या वैल्यू है तो बस आपने क्या करना है, सिर्फ वी की वैल्यू पुट करनी है। तो वी इज इक्वल टू, अगर मैं 2 रखूँगी क्योंकि मुझे 1 से 2 का देखना है, तो सबसे पहले मैं 2 की देखती हूँ कि 2 का क्या निकलेगा। तो 2 + 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 5/2 ओमेगा बार ओ एस सी। ठीक, अच्छा फिर क्योंकि 1 से 2 में जाना तो मुझे 1 की भी एनर्जी पता होनी चाहिए, तो 1 की एनर्जी में भी यही फॉर्मूले में सिर्फ मुझे 1 रख देना है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में 1 रख दूंगी, 1/1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, तो ये 3/2 ओमेगा बार ओ एस सी। अब ये 2 वी इज इक्वल टू 2 की एनर्जी थी और ये वी इज इक्वल टू 1 की, तो इस वाली एनर्जी में से अगर मैं ये एनर्जी माइनस करूँ तो मुझे सिर्फ इतना क्या करना है, ये 5/2 में से बस 3/2 माइनस करना है और आंसर क्या आ जाएगा, 2/2, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा आपके पास ओमेगा बार ओ एस सी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लेवल से अगर आप उसके ठीक नेक्स्ट हायर लेवल में जाएंगे तो हम उस मॉलिक्यूल को सिर्फ इतनी ही एनर्जी चाहिए, यानी ये जितने भी एनर्जी लेवल्स होंगे सब के सब इक्वली स्पेस्ड होंगे, और इसीलिए ये इक्वली स्पेस्ड बनाए हुए भी हैं। अगर आपको रोटेशनल जो रोटेशनल जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, अगर आप उसको उसमें आपको रिजिड रोटर का ध्यान हो तो आपने उसमें देखेंगे कि वहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स थे वो थोड़े इक्वली स्पेस नहीं थे, धीरे धीरे करके ये जो एनर्जी गैप था वो बढ़ता चला जा रहा था। एक बार आप फिर से चेक कीजिएगा, मेरा वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप देखिएगा उसमें कि ये इक्वली स्पेस नहीं थे क्योंकि सबकी वैल्यू जो थी, ये ट्रांजिशन की जो वैल्यू थी वो अलग अलग आ रही थी। ठीक है, इसीलिए हमें ट्रांजिशन लाइन्स भी वहाँ पर 2, 4, 6, 2 के मल्टीपल्स में मिल रही थी। ये पहली वाली हमें 2b पर मिली थी, फिर 4b पर मिली थी, फिर 6b पर मिली थी, तो वहाँ पर क्योंकि इनका जो एनर्जी डिफरेंस था वो अलग अलग था। पहली बार में हमें 2b का डिफरेंस मिला था, दूसरी बार में 4b का डिफरेंस मिला था, फिर 6b का डिफरेंस मिला था, तो ये जो एनर्जी गैप था धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लेकिन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में यहाँ पर सब के सब इक्वली स्पेस्ड हैं क्योंकि दोनों लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जहाँ भी निकालेंगे आपको सिर्फ ओमेगा बार ओ एस सी ही मिलेगा। ठीक है, तो इक्वली स्पेस्ड होते हैं ये सब के सब, तो यहाँ पर यही चीज़ इसमें बताई हुई भी है। तो ये ओमेगा बार ओ एस सी हमने देखा कि दोनों लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके रख सकते हैं तो आपको ओमेगा बार ओ एस सी मिलेगा, फॉर्मूला आपके पास ये सामने है ही। ठीक है, ये यहाँ से ही आपको निकाल देना है, एक बार मैं इसको पेन लेके बता देती हूँ। तो फॉर्मूला आपको सिर्फ सिंपल सा ये वाला रखना है, ठीक, और बस इसमें आपको पुट कर देनी है वी की वैल्यू। और चाहे तो आपको पहले, आपको अगर एनर्जी याद है, मैंने आपको बताया भी था एनर्जी याद करने का बहुत ईजी सा तरीका था, ये सब जो है हमारे पास जितने भी लेवल्स हैं 1/2 तो रहेंगे ही रहेंगे, बस इसमें क्या है जो ऊपर वाला नंबर है, मतलब 2/2 तो आपको लिखना ही लिखना है, तो पहले 1/2 है यानी कि वी इज इक्वल टू 0 1/2 होगा, फिर 3/2 होगा, फिर 5/2 होगा, फिर 7/2 होगा, तो ये सब ऑड नंबर जितने भी ऊपर लिखे जा रहे हैं वो सब ऑड नंबर है। तो ये 1/2 है, ये 3/2 है, 5/2 है, 7/2 है, और ये वी इज इक्वल टू 0 के लिए, तो ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये सब एनर्जी की वैल्यू है जो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो क्योंकि ये सब इक्वली स्पेस्ड हैं
तो इसीलिए हमें सिर्फ एक ही लाइन हम इसके स्पेक्ट्रम में देखते हैं, और ये स्पेक्ट्रम यहाँ नीचे बना रखा है, ये जो स्पेक्ट्रम यहाँ बना रखा है, ये जो स्पेक्ट्रम है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमें एक लाइन मिलेगी क्योंकि सभी के बीच में एक ही इक्वली स्पेस्ड है। वहाँ पर हम जो रोटेशनल लेवल की बात करते थे वहाँ पर हमें काफ़ी सारी लाइंस मिलती थी क्योंकि वो जो लेवल्स थे उनके बीच का डिफरेंस जो है वो अलग अलग था, और ऊपर जैसे जे 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 की वैल्यू बढ़ती जा रही थी एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ता चला जा रहा था। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है, ये वाला स्पेक्ट्रम जो इसमें है, इसको मैं एक बार फिर से इरेज करके आपको दिखा देती हूँ, देखिए ठीक है। तो ये जो हमें यहाँ जो देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक लाइन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, और यही चीज़ इसमें आगे लिखी हुई भी है कि एज द वाइब्रेशन लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड, एनी ट्रांजिशन फ्रॉम वी टू वी प्लस वन विल गिव राइज टू द सेम एनर्जी चेंज। सभी में हमें सेम एनर्जी चेंज देखने को मिलेगा, एंड हैंस ओनली वन एब्जॉर्प्शन लाइन इज एक्सपेक्टेड। इसीलिए हमें सिर्फ एक एब्जॉर्प्शन लाइन वहाँ पर हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं। फर्दर एट रूम टेम्परेचर एज मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इन द लोएस्ट या ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल्स, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो लोएस्ट ग्राउंड स्टेट पर होते हैं, यानी लोएस्ट लेवल पर होते हैं, यानी वी इज इक्वल टू जीरो पर होते हैं। इसीलिए जो ट्रांजिशन जनरली होते हैं वो वी इज इक्वल टू जीरो से वी इज इक्वल टू वन में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ज़्यादा इंटेंस मिलते हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंपैरिजन टू एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये सब हमने रोटेशनल एनर्जी जब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस किया था बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, तो बताया भी था कि ग्राउंड स्टेट में जो लोअर लेवल होते हैं उनमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा वो उनकी इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक देखने वाले ट्रांजिशन यानी कि वी इज इक्वल टू जीरो से वी इज इक्वल टू वन में हमें ज़्यादा ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, और इस ट्रांजिशन को जो जीरो से वन में होते हैं वहाँ पर उस जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है उस फ्रीक्वेंसी को हम बोल देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसको तो कभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स, यानी जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं जो हमें आईआर स्पेक्ट्रम में देखने को मिलते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड्स, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी। इंटेंसिटी से मतलब कि जो हम लेंथ की बात करते हैं, इंटेंसिटी जो हमें पीक की इंटेंसिटी देखने को मिलती है, तो कोई भी पीक कितनी लंबी हमें मिल रही है, तो या हम एब्जॉर्प्शन बैंड्स के जो जो हमें आईआर स्पेक्ट्रम में मिलते हैं उनकी, अगर हम ये बोल रहे हैं कि उनकी डिफरेंट इंटेंसिटी है तो दैट कैन बी रिफर टू एज वो कितने स्ट्रांग है, ये कितना मीडियम है या वीक है या ब्रॉड एंड शार्प है। तो इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है, देखिए एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो होते हैं ये देख लीजिए, यहाँ पर ये एक आईआर स्पेक्ट्रम है डीकेन का, तो इसमें यहाँ पर दिखा भी रखे हैं ये जो यहाँ से ये जो इस तरह से ये आपको नीचे पीक्स देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है ये वेव नंबर्स लिखे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, और ये डीकेन का जो है स्पेक्ट्रम है। तो ये जो इस तरह से ये पीक देखने को मिलती है ना ये वाली, इसको हम बैंड बोल देते हैं। यहाँ पर ये CH2 के लिए मिला है, ये CH3 के लिए मिली है, यहाँ पर ये लॉन्ग चेन बैंड मिला है। तो ये इस तरह का एक स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है। तो इंटेंसिटी से मतलब हुआ जैसे कितना स्ट्रांग है वो बैंड, कितना या मीडियम है या वीक है, या कोई बहुत ब्रॉड है। ब्रॉड से मतलब होता है कि अगर कुछ इस तरह की पीक मिल जाए वहाँ पर, तो एक तो लेंथ से हम देख लेते हैं इंटेंसिटी को, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इस टर्म में बात कर रहे हैं कि वो कितना स्ट्रांग, मीडियम या वीक या ब्रॉड या शार्प है, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो इंटेंसिटी ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट में जो चेंज हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो डाइपोल मूवमेंट में किस हद तक चेंज हो पा रहा है, इस बात पर एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड हमें देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी हमें एब्जॉर्प्शन बैंड की मिलेगी। अब ये जो मैग्नीट्यूड है डाइपोल मूवमेंट में चेंज का, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, द मोर द पोलर करेक्टर ऑफ अ बॉन्ड। बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा तो ग्रेटर द चेंज इन द डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट में भी उतना ज़्यादा चेंज होगा, और इसीलिए ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो मेन चीज़ हमें पोलैरिटी देखनी है। अभी पोलैरिटी भी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो एक्चुअली डाइपोल मूवमेंट अराइजेज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स प्रेजेंट है, डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं,
तो दो एटम्स के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उसी की वजह से डाइपोल मोमेंट आता है। ये बात मैंने आपको कई बार बताई हुई भी है कि अगर हम जैसे HCl का मॉलिक्यूल ले लें तो Cl क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पर स्लाइटली नेगेटिव है और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव है, तो ये एक डाइपोल यहाँ पर बन के आता है और डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसका इस वाले फॉर्मूले से। ये बात मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। तो इसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ये चार्ज सेपरेशन उतना ज़्यादा आएगा और जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ज़्यादा उसकी डाइपोल मूवमेंट होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर जो है ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो लार्जर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स ग्रेटर द पोलर करेक्टर ऑफ द बॉन्ड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड उतना ज़्यादा पोलर होगा और बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा ग्रेटर विल बी द डाइपोल मूवमेंट, उसका डाइपोल मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो द बॉन्ड विद हायर पोलैरिटी विल शो मोर इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड्स, यानी कि जिन बॉन्ड्स में जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होती है वो उतना इंटेंस बॉन्ड मतलब उतना इंटेंस बैंड देते हैं। तो एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है पोलैरिटी पर देखा जाए तो, ठीक है। तो OH बॉन्ड विल बी एसोसिएटेड विद अ ग्रेटर चेंज इन डाइपोल मूवमेंट देन दैट ऑफ एन NH बॉन्ड। अगर हम NH बॉन्ड और OH बॉन्ड में कंपैरिजन करें तो क्योंकि OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नेगेटिव है, तो क्योंकि यहाँ OH बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है NH बॉन्ड के कंपैरिजन में तो इसलिए OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है और जब ये ज़्यादा पोलर है तो इसका डाइपोल मोमेंट में जो चेंज है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और इसी वजह से इसका जो है हमें इंटेंस बैंड देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू NH बॉन्ड, ठीक है। तो वही इसमें आगे लिखा है कि बिकॉज OH बॉन्ड इज मोर पोलर। और इसी तरह से अगर हम देखें तो ये तो मैंने बता ही दिया कि एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ द OH बॉन्ड विल बी मोर इंटेंस, और ठीक इसी तरह से अगर हम NH बॉन्ड का कंपैरिजन करें CH बॉन्ड से तो CH क्योंकि नाइट्रोजन जो है कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव है तो इसलिए NH बॉन्ड जो है वो हमें ज़्यादा इंटेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटेंसिटी डिपेंड करती है दो और फैक्टर्स पर, तो उनमें से एक फैक्टर ये है कि इंटेंसिटी ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, कि उसमें किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उतना भी उसकी इंटेंसिटी जो है एब्जॉर्प्शन बैंड की बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, अगर हम कंपेयर करें IR स्पेक्ट्रा किसका, मीथेन का और ऑक्टेन का, तो मीथेन में तो देखो CH4 खाली एक ही कार्बन है और चार हाइड्रोजन है और ऑक्टेन में तो कार्बन ही आठ हो जाएंगे उसी हिसाब से उसके हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो क्योंकि ऑक्टेन में CH बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे तो इसलिए ऑक्टेन का जो हमें IR स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलेंगे वो ज़्यादा इंटेंस देखने को मिलेंगे। तो द ऑक्टेन मॉलिक्यूल विल हैव मच मोर इंटेंस CH पीक बिकॉज इट हैज़ मैनी मोर CH बॉन्ड्स देन मीथेन, ठीक। इसके अलावा और किस चीज़ पर इंटेंसिटी डिपेंड करती है, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैम्पल। जो भी हमने कंपाउंड लिया हुआ है, सैम्पल मतलब जो भी कंपाउंड जिसका हमें IR स्पेक्ट्रा निकालना है, तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैम्पल यूज टू ऑप्टेन एन IR स्पेक्ट्रम ऑल्सो अफेक्ट्स द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड। कैसे, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सैम्पल मोर द नंबर्स ऑफ एब्जॉर्बिंग ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल एंड मोर इंटेंस विल बी द एब्जॉर्प्शन बैंड्स। तो कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल का नंबर उतना ज़्यादा होगा और मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा उसमें एब्जॉर्बिंग ग्रुप्स होंगे इसीलिए एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो हैं ज़्यादा इंटेंस देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स थे, सिलेक्शन रूल हो गया इसमें, इंटेंसिटी और हमारा वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो वो सब कुछ मैंने आज आपको आपके सामने डिस्कस किया। बाकी के और टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।